मांगे 8 लाख की फिरौती। जी हाँ, खबर है संगम नगरी प्रयागराज करेली थाना अंतर्गत, जहाँ एक अप्रवासी परिवार भारत आया है और किसी काम से बाहर गया था, जिसमें घर में बच्चे और महिलाएं अकेली थी कि इनके घर में कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोग दिन दहाड़े घर में घुस गए और बच्चों तथा महिलाओं से गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने लगे और कहा कि मुझे 3 दिन के अंदर 8 लाख रुपए की फिरौती चाहिए और अगर ये पैसा 3 दिन के अंदर नहीं मिलते तो हम सभी को जान से मार देंगे, जिसकी सूचना सजरा गौर ने करेली थाना की पुलिस को दी। ये अपराधी सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशों का पालन करते हुए 2 अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। देखिए प्रयागराज से कुमारी मनोज सिंह की रिपोर्ट। तो हमारे घर में आए, दरवाजा को हम लोग ने खोला, दरवाजे के अंदर घुसे चले आ रहे थे, हम लोग ने पूछा ऊपर से कि क्या काम है, क्या बात है, तो कहने लगे कि हमें 8 लाख रुपया चाहिए, 8 लाख रुपया दीजिए आप हमको, नहीं तो हम आपके पति को जो सऊदी अरब नहीं जाने देंगे, ना आप लोग को जाने देंगे, और हम कुछ भी कर सकते हैं आप लोग के साथ, मारपीट कुछ भी करेंगे घर में घुस के या बच्चों को ले जाएंगे उठा के, ये सब धमकी दी और गाली बक रहे थे बुरी बुरी। तो क्या लोग अंदर आ गए थे? नहीं, अंदर यहाँ पे सीढ़ी के ऊपर चढ़ गए थे, मतलब डोर हमने खोला था तो मेरे स्टेयर के ऊपर आ गए थे वो लोग। हाँ, फुटेज में है, वीडियो फुटेज में है वो चीज़। मेरा नाम सजरा गौर।